तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। जी हाँ, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फोटो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय फ्यूजन और ऑप्शन नंबर डी तापायनी उत्सर्जन। जल्दी जल्दी आप कमेंट्स के माध्यम से अपना आंसर दें। जी हाँ, जल्दी आप अपना आंसर दें। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय फ्यूजन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार के हैं? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार के हैं? ऑप्शन नंबर ए गिटार, ऑप्शन नंबर बी सितार, ऑप्शन नंबर सी ट्रम्पेट और ऑप्शन नंबर डी वायलिन। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर दें। ऑप्शन ए गिटार, बी सितार, सी ट्रम्पेट और डी वायलिन। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी ट्रम्पेट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे ज्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे ज्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? और इसका ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी भोपाल और ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए जयपुर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी चीता, ऑप्शन नंबर सी तेंदुआ और ऑप्शन नंबर डी हाथी। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी चीता। एक बात बता दूं आप सबों को कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका एसएससी ग्रेजुएट लेवल और यूडीसी सीपीओएसआई टैक्स असिस्टेंट बीएसएफ एसआई के लेवल के क्वेश्चन है, जिसमें 30% क्वेश्चन आपका इजी मोड का है, 30% इंटरमीडिएट है और 30% क्वेश्चन इसमें आपका टफ लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा देश उसके सीमा से मिलता है? जी हाँ, भारत का तिब्बत से जो सड़क मार्ग है उसमें भारत का कौन सा सीमा तिब्बत से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए शिमला, ऑप्शन नंबर बी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी बंगाल और ऑप्शन नंबर डी कश्मीर घाटी। जी हाँ, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए शिमला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बुध को मान लेते हैं क्योंकि बुध सबसे नजदीक में है, लेकिन ऐसा है नहीं, उसका द्रव्यमान कम है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और ऑप्शन नंबर डी शनि। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और ऑप्शन नंबर डी शनि। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए शुक्र। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी हाँ, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी लोहा और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। जल्दी जल्दी आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी लोहा और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? जी हाँ, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। जी हाँ, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रतौंधी किसकी कमी से होता है? जी हाँ, रतौंधी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B2, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। अगला प्रश्न है कि राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस किस किताब में राजतंत्र के बारे में विवेचना किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धर्मशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी न्यायशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी नीति शास्त्र। जी हाँ, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है आपका कि श्रीलंका के बारे में मध्यस्थता करने के लिए कौन सा देश आया है? जी हाँ, श्रीलंका के बारे में मध्यस्थता करने के लिए कौन सा देश आया है? ऑप्शन नंबर ए स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विधान परिषद को बना सकता है या समाप्त कर सकता है? जी हाँ, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सांसद, ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद, और ऑप्शन नंबर डी राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। जी हाँ, और इसका सही आंसर है आपका राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? जी हाँ, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए भारत। जी हाँ, सबसे विशाल संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्नलिखित में से किसकी पूर्व अनुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? जी हाँ, किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? और इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। जी हाँ, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन कब आरंभ किया था? जी हाँ, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन कब आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर बी पानीपत के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर सी मैसूर की लड़ाई और ऑप्शन नंबर डी गदर, सिपाहियों का द्वारा जो किया गया था आंदोलन हुआ। और इसका सही जवाब है आपका प्लासी के युद्ध के बाद। जी हाँ, 1757 ईस्वी में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बाद अंग्रेजों ने अपना हुकूमत स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया वह संविधान के किस संशोधन के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए 41वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 45वां संशोधन और ऑप्शन नंबर डी 44वां संशोधन। जी हाँ, जल्दी जल्दी आप इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। जी हाँ, संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी मीथेन,
ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी ओजोन गैस। जल्दी जल्दी आप इसका आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी ओजोन गैस। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल है कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा निश्चित करने वाले प्राधिकरण कौन सा है? जी हाँ, केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा निश्चित करने वाले प्राधिकरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग और ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। जी हाँ, और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग। अगला सवाल है कि केकड़े के कितने पैर होते हैं? जी हाँ, केकड़े के कितने पैर होते हैं? और इस ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 6। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 8। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी के नाम से जानी जाती है, कि मूल संस्था जो थी वह पहले लोक सेवा आयोग थी, इसकी स्थापना कब किया गया था? जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग का मूल संस्था जो था और लोक सेवा आयोग, उसकी स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर 1926, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर सी आयकर और ऑप्शन नंबर डी संपत्ति कर। जी हाँ, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर। अगला प्रश्न है कि स्वामी नारायण मंदिर जो अक्षरधाम में है वह कहाँ स्थित है? जी हाँ, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए द्वारिका गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पुरी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर गुजरात। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर गुजरात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका थायराइड, ऑप्शन नंबर बी प्यूटिटरी, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय और ऑप्शन नंबर डी एडिनॉइड। जी हाँ, इनमें से तीन मेल फीमेल सभी में पाया जाता है, लेकिन एक इनमें से क्या है जो सिर्फ फीमेल में पाया जाता है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। अगला प्रश्न है आपका कि गामा किरणों से क्या हो सकता है? जी हाँ, गामा किरणों से क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए जीन म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी छींकना, ऑप्शन नंबर सी जलन, ऑप्शन नंबर डी ज्वार जिसे हम बुखार भी कह सकते हैं। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए जीन म्यूटेशन। जी हाँ, गामा किरणों से जीन म्यूटेशन हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जी हाँ, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर ए कैम्बियन, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस और ऑप्शन नंबर डी जाइलम। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें आप। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी जाइलम। अगला प्रश्न है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए यान मार्टेल, ऑप्शन नंबर बी रोहिंटन मिस्त्री, ऑप्शन नंबर सी केन फॉलेट और ऑप्शन नंबर डी एमजे अकबर। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए यान मार्टेल। अगला प्रश्न है कि ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? जी हाँ, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी अशोक
ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य। जल्दी जल्दी आंसर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। अगला प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हीनयान, ऑप्शन नंबर बी महायान, ऑप्शन नंबर सी वैष्णव संप्रदाय और ऑप्शन नंबर डी शैव संप्रदाय। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी महायान संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? जी हाँ, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? ऑप्शन नंबर ए बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काका, ऑप्शन नंबर सी मोहिउद्दीन चिश्ती और ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा बहुद्दीन। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही आंसर है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? जी हाँ, ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा, ऑप्शन नंबर सी शाहब्बास और ऑप्शन नंबर डी इस्माइल खान। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, सिंधु घाटी में जो खुदाई हुआ है उसके आधार पर व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन नंबर बी मुद्राएं, ऑप्शन नंबर सी नावें और ऑप्शन नंबर डी मकान। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी मुद्राएं। अगला क्वेश्चन है कि आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? जी हाँ, आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी केंद्र और राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी निगम के प्राधिकारी। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र और राज्य सरकार को आयकर से प्राप्त राशि जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? जी हाँ, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा वाला शहर कौन सा है? इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए आनंदपुर साहिब, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका आनंदपुर साहिब। अगला प्रश्न है इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? जी हाँ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पेरम्बूर, ऑप्शन नंबर बी चितरंजन, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए पेरम्बूर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय की बगाने हैं? जी हाँ, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय की बगाने हैं? ऑप्शन नंबर ए आसाम, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मेघालय और ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। जल्दी जल्दी आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए आसाम। अगला प्रश्न है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? जी हाँ, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है?
और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था। जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1934 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। जी हाँ, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी भोपाल। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हाँ, विश्व के सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी न्यू गिनी और ऑप्शन नंबर डी सुमात्रा। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है कि उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। जी हाँ, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्टिसोन, ऑप्शन नंबर बी सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर सी एड्रिनलिन, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन। जी हाँ, जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी एड्रिनलिन। अगला क्वेश्चन है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। जी हाँ, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। जल्दी जल्दी आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक आम्ल, ऑप्शन नंबर बी नींबू का आम्ल, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक आम्ल, ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक आम्ल। जी हाँ, किस कारण दूध खट्टा हो जाता है। जल्दी जल्दी आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक आम्ल। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदों का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है। जी हाँ, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन नंबर डी संसद तथा राज्य विधानसभाएं। जी हाँ, जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन नंबर डी संसद तथा राज्य विधानसभाएं। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य ने प्रधानमंत्री दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। जी हाँ, जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि नारा मंडी बीच कहाँ स्थित है। जी हाँ, नारा मंडी बीच कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी स्पेन, ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम। जी हाँ, नारमंडी बीच कहाँ स्थित है। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस।
अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? जी हाँ, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अत्रेय, ऑप्शन नंबर बी मैत्रेय, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन और ऑप्शन नंबर डी कल्कि। जी हाँ, बौद्ध मतों के अनुसार बौद्ध भगवान बुद्ध के बाद कौन सा अवतार उनका पुनरावतार है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कल्कि अवतार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी कृति है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने रचित नहीं किया है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चित्रा, ऑप्शन नंबर बी कपाल कुंडला, ऑप्शन नंबर सी द कोर्ट डांसर और ऑप्शन नंबर डी चित्रांगदा। जल्दी जल्दी इसका आंसर दे। ऑप्शन नंबर ए चित्रांगदा, ऑप्शन नंबर बी कपाल कुंडला, ऑप्शन नंबर सी द कोर्ट डांसर, ऑप्शन नंबर डी चित्रांगदा। जी हाँ, और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बी कपाल कुंडला। बाद बाकी चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला और लास्ट प्रश्न है कि कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? जी हाँ, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी शुंग, ऑप्शन नंबर सी पल्लव और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। एलोरा मंदिर का निर्माण कौन से शासकों ने कराया था? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी शुंग, ऑप्शन नंबर सी पल्लव, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। जी हाँ, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।